मेरा नाम मनुहार है और मेरे चैनल में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं बात करूंगी सैमसंग कंपनी के इतिहास के बारे में और उसकी सफलता के बारे में। आज मैं आपको सैमसंग कंपनी से जुड़े कुछ फैक्ट्स के बारे में भी बताऊंगी जिन्हें सुनकर आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे। सैमसंग के प्रोडक्ट्स का तो आप सभी इस्तेमाल करते होंगे, लेकिन क्या आपने कभी गौर किया है कि सैमसंग का मतलब क्या होता है? आप सब सोचते होंगे कि सैमसंग एक इंग्लिश भाषा का शब्द है, लेकिन नहीं, ये एक कोरियन भाषा का शब्द है और दो शब्दों से मिलकर बना है, सैम और संग। सैम का मतलब होता है थ्री और संग का मतलब होता है स्टार। दोस्तों, यदि कोई आपसे पूछे कि सैमसंग का नाम सुनकर आपको मुख्यतः क्या याद आता है, तो आपको शायद सबसे पहले कई तरह के इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स याद आ जाए, जैसे कि मोबाइल, टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, कैमरा, लैपटॉप या फिर एसी या फिर इसी तरह के कुछ और इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि सैमसंग ने दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा को भी बनाया है। सैमसंग ने पानी पर चलने वाली नाव का भी निर्माण किया है और तो और सैमसंग ने लड़ाई करने वाले टैंक भी बनाए हैं। सैमसंग ऐसे ही लगभग 80 अलग अलग क्षेत्रों में भी काम करती है। सैमसंग इतनी बड़ी कंपनी है कि यदि हम गूगल, एप्पल और माइक्रोसॉफ्ट इन सब में काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या को यदि जोड़ भी दें तो भी इससे अधिक संख्या सैमसंग में काम करने वाले कर्मचारियों की है। दोस्तों, आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि इस कंपनी का रेवेन्यू साउथ कोरिया के जीडीपी का 17% है। इसका मतलब यदि सैमसंग कंपनी घाटे में चली जाए तो साउथ कोरिया की अर्थव्यवस्था ही डगमगा जाएगी। दोस्तों, अभी तक आप जान रहे थे कि सैमसंग कंपनी कितनी बड़ी है। दोस्तों, अब मैं आपको इसके इतिहास के बारे में बताऊंगी। दोस्तों, इसकी स्थापना 1938 में ली ब्यूंग चुल ने की थी और शुरुआत में इसमें सिर्फ 40 कर्मचारी काम करते थे और आज इसमें 3.5 लाख से भी अधिक कर्मचारी काम करते हैं। दोस्तों, शुरुआत में ये एक ट्रेडिंग कंपनी थी और ड्राई फिश, ग्रोसरीज और नूडल्स जैसे आइटम्स बेचा करती थी, लेकिन बाद में ये सबसे बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज में से एक बनी। बाद में इसने इंश्योरेंस, सिक्योरिटी, रिटेल्स जैसे फील्ड्स में भी कदम रखा। 1969 में सैमसंग ने इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में भी कदम रखा और 1970 में इसने P3202 नाम का पहला ब्लैक एंड व्हाइट टीवी बनाया। उसके बाद सैमसंग कंपनी ने रेफ्रिजरेटर, माइक्रोवेव, ओवन, कलर टीवी, वीसीआर भी बनाए। 1983 में सैमसंग कंपनी टेलीकम्युनिकेशंस में उतरी और 1986 में इस SC100 नाम का पहला बिल्ट इन कारफोन बनाया जो बुरी तरह फ्लॉप रहा। 1988 में इन्होंने SH100 नाम का फोन बनाया जो फिर से फ्लॉप रहा। इस तरह सैमसंग कंपनी फोन बनाने में अभी तक फ्लॉप रही। इसलिए 7 जून 1993 को सैमसंग कंपनी के चेयरमैन ने अपने कर्मचारियों के साथ एक बैठक की जिसमें उन्होंने अपना लक्ष्य रखा कि उन्हें भी एक साल के भीतर मोटरोला की तरह अच्छे फोन बनाने हैं। फिर उन्होंने काफी रिसर्च के बाद SH700 नाम का एक फोन लॉन्च किया जो कि सफल साबित हुआ। यह सैमसंग कंपनी का पहला सफल फोन था। ये फोन काफी रिसर्च के बाद बना था और जितने भी खराब क्वालिटी के फोन थे उन्हें एम्प्लॉयज के सामने नष्ट कर दिया गया ताकि कर्मचारियों को ये संदेश जाए कि कोई भी कमी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसका ग्राहकों पर भी पॉजिटिव असर पड़ा। आगे सैमसंग ने अपनी अच्छी CDMA सर्विस की वजह से दुनिया में खूब नाम कमाया और CDMA मार्केट के 57% हिस्से पर उनका कब्जा हो गया। और फिर 2004 में सैमसंग ने पहली बार अपने मोबाइल फोन्स को भारत में उतारा। शुरुआत में सैमसंग फोन्स उतने नहीं चले, लेकिन 2009-10 के बाद सैमसंग ने गैलेक्सी एस फोन लॉन्च किया। इस फोन ने तो मानो धूम ही मचा दी। यह फोन बहुत ही सफल रहा। सैमसंग के गैलेक्सी फोन्स भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में खूब बिके। इसी कारण से सैमसंग दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आईटी कंपनी है। सैमसंग ने इंटरनेशनल कॉरपोरेशन के रूप में बुर्ज खलीफा और पेट्रोनस टावर जैसे इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट भी हासिल किए। इसने साउथ कोरिया के लिए K9 थंडर नामक लड़ाई किए जाने वाले टैंक का भी निर्माण किया। ये दुनिया की 14वीं सबसे बड़ी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है।
तो दोस्तों, इस प्रकार हमने इस वीडियो में सैमसंग कंपनी के इतिहास, इसके फैक्ट्स के बारे में जाना। अब आपने जान लिया होगा कि सैमसंग कितनी बड़ी कंपनी है और कैसे संघर्ष करके ये इतनी बड़ी कंपनी बनी। आशा है सैमसंग कंपनी के बारे में जानकर आपको खुशी हुई होगी। थैंक यू फ्रेंड्स, यदि मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर और कमेंट करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एवं सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकॉन को जरूर क्लिक करें, जिससे मेरे नए वीडियोस की पूरी जानकारी आप तक पहुंचती रहे। फ्रेंड्स, ये सब बिल्कुल फ्री है, तो देर कैसी, अभी सब्सक्राइब कीजिए।